टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू वीडियो सो प्लीज अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब। तो देख सकते हो सुबह सुबह का टाइम उठ चुके हैं, शक्ल से भी देख लग ही रहा होगा आपको सो को उठा है। मजाक करो यार, रात के 6 बज रहे हैं अभी तो। बस अभी निकलते हैं, फिर आपको पता ही है वीडियो का टाइटल थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। चाबी किधर गई। चलो भाई यार, बल्कि ड्राइवर सीट उस तरफ होती है तो ये मुझे बड़ी गलती लगती रहती है हमेशा। तो वैसे ना टाइमिंग सेम ही है, मतलब अगर मैं सुबह उठूँ तब भी 6 बजे उठता हूँ, तो अगर रात को सो के उठूँ मतलब दोपहर को सो के उठूँ तब भी 6 बजे उठता हूँ। तो वैसे ना सैटरडे को मैं सो जाता होता हूँ क्योंकि कॉलेज होता है सैटरडे को, जल्दी फिनिश हो जाता है 2-3 बजे, फिर 3 बजे से 6 बजे तक सो जाता हूँ। तो अभी बस देख लो आप, फ्यूल देख लो आप, फुल इस टाइम टंकी फुल हुई है आपको, बस आपको पता नहीं क्यों नज़र नहीं आ रहा, इधर फुल शो कर रही है मुझे। फ्यूल बिल्कुल एंड पे लगा हुआ है, जाके इसको भरवाते हैं, फुल करवाते हैं टैंकी और फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। इधर से मैंने इसलिए नहीं ऑन किया उसको, अकाउंट को एक्टिव क्यों नहीं किया, क्योंकि फिर राइड आ जाए तो फिर बंदा किधर, पहले पेट्रोल पंप पे जाएगा फिर उधर, ये तो बड़ा लंबा हो जाएगा सिस्टम। तो बेहतर ये पहले चलते सीधा पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे आराम से तसल्ली से फ्यूल फुल करवाते हैं, उसके बाद जाके फिर ऑन करते हैं, उसके बाद बैठते गपशप लगाते हैं, उसी में राइड आ जाएगी क्योंकि सैटरडे है, वीकेंड है, तो राइड तो ऐसे आएगी, राइड नहीं यार डिलीवरी आ जाएगी, हाँ तो ऐसे आएगी। तो चलो फिर वहीं पे चलते हैं अब। तो यार मेरा ना फुल प्लान था दोपहर को करने का 3 बजे, 3 बजे मैं जैसे जाकर लेटा ना यार, मतलब आंखें बंद होना शुरू हुई, फिर मैंने कहा बस कुछ भी हो जाए अब मैं नहीं उठने वाला यहाँ से। और पता नहीं बंदे को सुस्ती पड़ जाती है कि बस अब नहीं अब नहीं, बस वही साहब मेरे साथ हुआ, मैंने कहा चलो यार सो जाता हूँ। तो फिर मैंने अलार्म भी लगाया, मैंने कहा जब खुद आंख खुलेगी तभी सही है, नींद भी पूरी होनी चाहिए, क्यों अपने आप के साथ जुल्म करना हमेशा। तो इसलिए फिर भी 6 बजे आंख खुल गई, बड़ी बात है, वरना ये नहीं लेट नहीं हुआ मैं। तो अभी बस निकलते हैं यार, पेट्रोल पंप ज्यादा दूर नहीं है, कोई होगा 1.5 किलोमीटर भी नहीं होगा पूरा, 1 किलोमीटर ही है। तो चलते हैं पेट्रोल पंप पे और डलवाते हैं फ्यूल वहां से, तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो लो जी पेट्रोल पंप के पास आ चुके हैं, राइट पे है पेट्रोल पंप, और देखा ही होगा पहले भी जो वीडियोस देखते हो आप, जो लोग रेगुलर देखते हैं उनको पता ही होगा इस पेट्रोल पंप का 7-Eleven। तो बस यहाँ से आप फ्यूल फिल करवाते हैं और फिर अगली बात आपसे आगे जाए करते हैं। तो बस यार टैंकी फुल हो गया तकरीबन 25 लीटर समथिंग, इतना ही आया कोई $41 में। तो बस अब रेडी टू गो हम, ऑनलाइन आते हैं, ऐप को ऑनलाइन करते हैं, फिर देखते हैं कितनी देर में हमें पहली आती है और कब तक करते हैं, फिर आपके साथ ही आज। तो बस शुरू करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं ऑनलाइन, फ़ौरन आपके सामने क्लिक करके ऑनलाइन आएंगे, उसके अलावा आएंगे ही नहीं यार। तो ये रही सामने ऐप और गो पे क्लिक करेंगे, इसी के साथ ही आ जाएंगे हम ऑनलाइन। तो बस ठीक है, अभी वेट करते हैं कितनी देर में आती है। वैसे तो तकरीबन टाइम हो रहा है 7 बजे का, और 7 बजे मतलब बिजी है, सैटरडे नाइट है और 7 बजे है तो बिजी है, तो जल्दी ही आ जानी चाहिए उम्मीद करते हैं। तो फिर भी वेट करते हैं कितने बजे आती है पहली। तो लो जी फौरन ही आ गई है 1 मिनट के अंदर अंदर ही, तो एक्सेप्ट कर लेता है, टोटल 9 किलोमीटर की बनती है। और चलते हैं जी बर्गर हाउस, ठीक है ये तकरीबन हाँ 1 किलोमीटर ही है, तो अब यहाँ पे जाके पिक करते हैं ऑर्डर, फिर निकलते हैं वहां से। जैसे मैं घूम के यहाँ से पार्किंग खाली हो गई है, तो यहाँ से मैंने डिलीवरी उठानी है, तो अंदर जाकर उनको कस्टमर का नाम दिखाते हैं और डिलीवरी उठाते हैं वहाँ से। डिलीवरी उठा लाया है, ये बड़ा गलत सीन है यार, ये मैंने इसमें ड्रिंक्स पड़ी हुई थी तो ये मैंने उठा के इधर रख लिया, क्योंकि इधर फ्री बच जाती हैं तो यहाँ पे ऐसे तो गिर जानी थी, कहीं किसी ने पकड़ने भी नहीं है। और ये देखो जी सिर्फ रह गया कह रहा हूँ 6 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर है, तो 7 मिनट शो कर रहा है, बस अब निकल जाए। ड्रिंक्स वाला काम थोड़ा गलत है यार, चलो कोई नहीं अब रख लिए हमने, तो यहीं से उठा के वापस में रखेंगे बॉक्स में और फिर वहां पे डिलीवर कर देंगे। तो बस निकलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो यार ये जो सामने डोनल्ड शो हो रहा है ना वो साइड पे, तो इसमें बड़ा अरसा हो गया यार गए हुए, मुझे अच्छी खासी जान पहचान बन गई थी मेरी इन लोगों से, क्योंकि इधर की बहुत डिलीवरी आती होती थी मेरे पास बहुत ज्यादा। अब अरसा ही होगा लगता है, नाराज हो गया, अब आते नहीं यार, इतना दिल उदास हुआ मेरा इनसे, मैं कहता हूँ आए यार बंदा मिले जाके। वैसे ये बात है जब एक ही रेस्टोरेंट क्या वो बार बार आए ना तो आपकी जान पहचान हो जाती है अच्छी खासी। यहाँ से होना है लेफ्ट और सिग्नल ऑन है, वो
किधर? अभी तो रास्ता नहीं है, रास्ता है लेकिन वही वही यार, जब भी ऐसी डिलीवरी आती है ना, मुझे पहले ही पता होता है कि कुछ ना कुछ होने ही वाला है। मतलब होने से मुराद है कहीं ना कहीं ऐसी जंगल में जाके आनी है ये। इस तरह से कोई ट्रैफिक भी नहीं है, बस ये वही है फार्म हाउस वाली है, ये गारंटेड बात है, क्योंकि ये एरिया अभी बना ही नहीं है, ये एरिया अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और सारा ही सुनसान पड़ा है, कुछ भी नहीं है। साइड्स पे देख लो, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है साइड पे, कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से तो वही होना चाहिए 35 आर। चलो रिवर्स करके एक बार देखते हैं, क्यों क्योंकि इधर कौन सा कोई ट्रैफिक आ रही है, रिवर्स पे क्या होना, कुछ भी नहीं। यार ये है घर, लेकिन लोकेशन हल्की सी आगे शो हो रही है और घर पीछे है। ये देख रहे हो ना मेरे लेफ्ट पे 35 ये देखो, एक दफा देखो सही, इधर आप देखो, मजाक से हटके इधर जगह देखो आप। एंड अभी मैं नहीं भाई यहाँ से निकलूंगा, बी अवेयर ऑफ द डॉग पे, जो कुत्ते भी हैं इनके पास है। ओसे मैं गाड़ी से निकल रही पर है, उसको फोन लगाते हैं भैया जा। वो आ गया, आ गया, आ गया, खुद ही आ गया जवान, जिंदा बाद बशर पुत्र मजे आ गया। Hey man, how's it going? Yeah, good. Thank you. Have a good night. चलो जी, अच्छा हुआ भाई। हमें नहीं भाई, जो ना टीके लगवाने, इसलिए हम बाहर जाने से इनकार कर दिया और वो खुद ही चला आया फोन करने से पहले। टू फैट्स, ये सामने वाला है, तो बस फिर मोबाइल अपना पकड़ ले ताकि कस्टमर का नाम दिखा सकें उसको। चलो जी, अब ऑर्डर लेके आते हैं फिर यार। चलो जी, पहले का रेडी पड़ा हुआ था तो भी बस जाकर उठाने वाली बात की है, तो बस रख लेते हैं यार अब साथ वाली सीट में। अब यार फिर क्या कर सकते हैं, अब गाड़ी वालों ने साथ वाली सीट बनाई हुई है किसी के बैठने के लिए, अब सिंगल लोग हैं, है ही नहीं कोई बैठने के लिए, तो फिर यही कुछ रख सकते हैं। चलो कोई नहीं यार, यही सहारा फिर हमारा, कुछ ना कुछ तो है ही ना साथ में रखने वाला। 9 किलोमीटर दूर है, उल्टा बोल रहा हूँ यार, 2 किलोमीटर दूर रेस्टोरेंट था, 9 किलोमीटर की डिलीवरी है, टोटल 11 किलोमीटर बनते हैं और पर किलोमीटर $1 देते हैं, ये जितना का मैंने नोट किया है। एक या एक से कम भी देते हैं या एक से ज़्यादा देते होंगे, पता नहीं है, राउंड अबाउट फिगर एक ही है। तो चलो जी निकलते हैं भाई, 10 मिनट बता रहे हैं वो। आ गए हैं हम, नंबर 3 है और ये कौन सा नंबर है, नंबर 3 यही है। तो गाड़ी करते हैं हल्की सी रिवर्स, यार लेटर बॉक्स पे नंबर लिखा होता है ना तो वो देखने के लिए फिर आगे जाना पड़ता है थोड़ा सा, तो ये ऐसे गाड़ी लगा लेते हैं ना ताकि ना शो का पार्किंग है। देख यार इनके पास एक गाड़ी ये खड़ी, गैराज में भी खड़ी होगी, दो दो गाड़ियाँ, फिर भी यार कितने काम चोर हैं ये लोग, बहुत काम चोरा, खुद नहीं काम करते। तो चुप कर, लो जी वो रख दिया हमने और यहाँ पे हमें क्लिक कर दिया कि डिलीवर्ड, तो बस इतना सा काम था यार। वैसे आप आसमान देखो कितना, मतलब कि चमक रहा है ना, बादल फुल नीचे आए हुए हैं और बस इतना सा काम था हमारा। अभी ये करते करते हमें दूसरी भी आ गई थी, तो अब दूसरी की तरफ चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको वो कितनी के दूर है। तीसरी है, बल्कि दूसरी तो ये हो गया, तीसरी है ये, तकरीबन 2 किलोमीटर बनता है ये, देख लो 2 किलोमीटर में ये जाके हमने उठाना है। चलो जी फिर इसकी तरफ निकलते हैं। चलो जी हाँ, पहली डिलीवर, दूसरी डिलीवर, तीसरी तरफ जा रहे हैं और चौथी भी हमें आ गई थी, हमने सेट कर लिया, वो सातवीं आ गई थी, तो ऐसे एडिशनल आते रहते हैं। तो यहाँ से हमने लेफ्ट, गाड़ी चलाते हैं मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, इसलिए मैं फुल स्लो स्पीड पर चला रहा हूँ कि बस मैं आपसे बात खत्म करूँ और निकलूँ। तो चलो यार अभी दूसरे की तरफ चलते हैं, फिर वहाँ से उठाते हैं सामान जाके। एक टाइम पे मैक्सिमम 2 ही ऑर्डर आप कर सकते हैं, तो 2 ही मुझे आए हुए हैं तकरीबन। पहला मैंने पिज्जे वाला है, ऑफिसर पिज्जा नाम है शॉप का, वहाँ से उठाना, और दूसरा नेक्स्ट पिकअप जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो फिर मतलब वही पास ही होगा, तो दोनों फिर मैं उठा के ना एक साथ ही ले आता हूँ।
तो दो ऑर्डर के अंदर यही होता है कि जहाँ तो आपका जो शॉप होता है जहाँ से आपने पिक करना वो आसपास ही होती है, एक ही होती है शॉप, तो यहाँ फिर जहाँ पे आपने ड्रॉप करना वो गली जो बिल्कुल जो है ना आगे या पीछे, ज़्यादा दूर नहीं होती, कोई 200-300 मीटर पे होगी, तो एडिशनल होता तो अच्छा ही होता, फ़ायदा ही होता है। तो एकदम मैं लोकेशन चेक कर लूँ किस तरफ मैंने जाना है, तो फिर आपको बताता हूँ आगे। दोनों ऑर्डर आप पिक हो चुके हैं, साथ साथ ही शॉप थी, तो और तकरीबन पहला जो है वो 2.7 किलोमीटर मतलब 3 किलोमीटर ही है, तो कोई बात नहीं। वैसे पार्किंग थी आगे, मैं ऐसे ही बाय रोड पे खड़ी कर गया, मैं समझा अंदर शायद रास्ता नहीं है, पार्किंग नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कौन सा ज़्यादा दूर थी, तो बस निकल जाए पहले ऑर्डर की तरफ, फिर देखते हैं दूसरा कितनी दूर है, दूसरा देख लेना पास ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा। जी आ चुके हैं हम सामने है घर, और यहाँ पर जाकर ऑर्डर पकड़ाते हैं। किधर गया, इसको डिलीवर करते हैं, और हमारे पास भी सेकंड भी है, तो सेकंड भी जाके देते हैं। बस मैं इसको ज़रा ऐड कर लूँ कि हैंड ओवर किया है हमने, क्योंकि वरना ये पिक्चर का बोलते हैं तो वो, तो मैंने उसको हैंड ओवर ही कर दिया। हाँ तो बस 1 किलोमीटर ही है, ज़्यादा दूर है नहीं है, तो बस दूसरी पे निकलते हैं अब। चलो जी, इसको हमने ऑर्डर पूरा किया है और तकरीबन अगला 1 किलोमीटर पे है, तो मैक्सिमम जो होती है लिमिट 2 की होती है, लाइक अगर आपको ऑर्डर आएंगे ना तो वो 2 आएंगे मैक्सिमम, तो वो भी ऐसे ही आते हैं कि जहाँ तो उसका रेस्टोरेंट आसपास होगा, तो यहाँ उसकी जो जहाँ पे आपने डिलीवर करना वो घर आसपास होंगे, तो इनका भी वही था, रेस्टोरेंट भी सेम ही थे, घर भी ज़्यादा दूर नहीं थे, तो बस चलते हैं। मेन रोड पर ये सामने ही है, तो वहीं से देखें। मेरी यार कोशिश मेरी यही है कि मैं वापस से अपने एरिया में निकल जाऊं, क्योंकि ये मैं साथ वाले सबब में आ गया और इसकी भी एंडिंग है, तो इसके साथ ही बस थोड़ा सा ही आगे ना दूसरा सबब शुरू होने वाला है, तो मेरी मर्जी नहीं है कि वहाँ पर जाकर मैं करूँ यार, नए एरिया में नहीं, मेरे से दिल ही नहीं करता अब नए एरिया में चलाने का, जब से गाड़ी लगी है ना नए एरिया में दिल करता ही नहीं गाड़ी चलाने का, पता नहीं कैसी कैसी सड़की होती है, नहीं समझ आती, तो फिर भी अपने एरिया सही है, चलो बंदा लेट अगर फिनिश करे तो फ़ौरन घर चला जाए 5-10 मिनट में ही। नए एरिया से फिर दूसरा जो सबब होता है ना वहाँ से निकल के जाना घर स्पेशल, वो फिर बड़ी उलझन होती है मुझे। अभी खैर इसने भी कोई ना वाह भी तंग है जिंदगी से, इसने सफाई नहीं करवाई हुई जगह की, चार डिलीवरियाँ हो चुकी हैं पूरी और ठीक है आप देख सकते हो, तो बस अभी क्या करते हैं कि अभी वीडियो करते हैं बंद, फिर आपको समझाता क्यों। तो आई थिंक चार डिलीवरियाँ आपके सामने कर दिया, तो बहुत है इतना ही, और फ्यूल आई थिंक कितने का लगा मुझे देखने, तो फ्यूल अभी हर शो नहीं कर रहा, इतना गिरा नहीं है फ्यूल, छोटी गाड़ी में इतना फ्यूल लगता नहीं है, तो बस अभी बंद करता वीडियो, अब कल मैं करूँगा डे टाइम करके दिखाऊंगा, डे टाइम ज़्यादा मज़ा आएगा जितना मुझे लगता है, क्योंकि डे टाइम में सारा कुछ विजिबल होता, सब कुछ नज़र आता, अभी आप देख लो सुनसान है, कुछ भी नहीं है आना जाना, तो डे टाइम जो है वो सही होगी, तो डे टाइम फिर देखते हैं कोई अच्छा सा करके ना। तो बस आज की वीडियो में यही एंड करते हैं, आपके सामने कैसे डिलीवरी उठानी है, कैसे और जाकर ऑर्डर पूरा करना है, आपके सामने करके दिखा दे हर चीज़, तो ये था पार्ट 2। तो बस अगर आपको ये वीडियो ऐसी वीडियो अच्छी लगेंगी तो बताते रहना मुझे, मैं फिर ऐसे पार्ट 4 निकालता रहूँगा, बस शुगल का शुगल, काम का काम।